सुखाड़िया विश्वविद्यालय के 28वें कुलपति पद की आवेदन प्रक्रिया के निलंबित वीसी प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने फिर से आवेदन कर चौंका दिया है। सीकर के गुरुकुल विश्वविद्यालय फर्जीवाड़े में दर्ज मुकदमे और राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा निलंबन को प्रोफेसर सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है। अब उन्हें फिर से कुलपति बनाने या न बनाने का फैसला हाईकोर्ट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र और सर्च कमेटी के निर्णय पर निर्भर करेगा। फिलहाल उनका आवेदन मंजूर कर लिया गया है। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार सीआर देवासी ने बताया है कि प्रोफेसर सिंह भले ही निलंबित हैं, लेकिन उन्हें भी आवेदन का कानूनी अधिकार है। अभी तक उदयपुर सहित देश भर के 54 शिक्षाविदों के आवेदन मिल चुके हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 29 अप्रैल है। इस बार सुखाड़िया विश्वविद्यालय के निलंबित कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह और जीजीटीयू कुलपति प्रोफेसर आईवी त्रिवेदी का कार्यकाल 20 जुलाई 2023 को पूरा होगा। बता दें कि सीकर के गुरुकुल विश्वविद्यालय का गलत तरीके से वेरिफिकेशन करने के बाद प्रोफेसर सिंह पर फर्जीवाड़े के आरोप लगे थे। फिर प्रदेश सरकार ने जयपुर में प्रोफेसर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था और फिर 3 कमेटियों से जाँच कराई। जाँचों के बाद प्रोफेसर सिंह को निलंबित कर दिया गया था। राज्यपाल कलराज मिश्र के निर्देश पर राजभवन ने सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर और जीजीटीयू बांसवाड़ा के नए कुलपतियों के चयन के लिए अलग अलग सर्च कमेटी गठित करती है। दोनों ही खोज समितियों के चेयरमैन प्रोफेसर शिशिर कुमार दुबे और प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि जेएनवीयू के पूर्व कुलपति प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी हैं। 5-5 शिक्षाविदों की उच्च स्तरीय समितियां आवेदनों की स्क्रूटनिंग करेंगी। कमेटी गहन पड़ताल के बाद दोनों ही विश्वविद्यालयों कुलपति पद के लिए 5-5 शिक्षाविदों के नाम निर्धारित करेंगी और फिर 5-5 नाम बंद लिफाफों में राजभवन जाएंगे। राजभवन से नामों को सीएमओ भेजा जाएगा। सीएमओ की सिफारिश पर राजभवन में एक एक नाम पर मुहर लगाई जाएगी। ऐसे में निलंबित कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह का फिर से कुलपति बनना मुश्किल है, क्योंकि कमेटी उनके 10 साल बतौर प्रोफेसर सेवाएं देने सहित सभी दस्तावेजों की जाँच करेगी। इस पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहते गुलाब चंद कटारिया सवाल उठा चुके हैं। इसकी जाँच संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने की थी। उन्होंने प्रोफेसर सिंह को 3 बार बुलाया भी, लेकिन वे एक भी बार नहीं आए। हालांकि प्रोफेसर सिंह 10 साल के अनुभव होने का दावा करते रहे। प्रोफेसर सिंह और पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया वर्तमान में असम राज्यपाल हैं और उनके बीच चंपाबाग में सुखाड़िया विश्वविद्यालय की जमीन को लेकर जबानी जंग जरूर हुई थी। इसके बाद भाजपा और कांग्रेस के 15 से ज्यादा विधायकों ने विधानसभा में 50 से ज्यादा सवाल लगाकर प्रोफेसर सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। सरकार ने हर आरोप की जाँच कराई और इस बीच सीकर के गुरुकुल विश्वविद्यालय का फर्जीवाड़ा सामने आ गया। इससे प्रदेश सरकार की छवि खराब हुई और इस मामले में प्रोफेसर सिंह सहित 4 अन्य शिक्षाविदों को निलंबित कर दिया गया था।